he's launched this superbly. Whiplash this ball for a maximum. सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस एक और नई वीडियो में। और आप लोगों ने टीजर देखकर समझ ही लिया होगा कि भाई कौन सा शॉट आज अपन लोग लेने वाले हैं। तो ये शॉट वैसे प्लेटिनम का होने वाला है और इसका शॉट नंबर होने वाला है गाइस 589। वैसे लेने से पहले मैं आपको कुछ बता दूँ, लास्ट टाइम जब मैंने एक शॉट लिया था भाई, मतलब लेने जा रहा था ना, तो शॉट बुक के अंदर मेरे साथ भाई एक स्कैम हो गया था। मतलब बहुत पुरानी बात है, लेकिन जिन लोगों ने 567 का रिव्यू देखा और लोग होगा उन लोगों को शायद पता होगा इस बारे में। तो भाई वहाँ पे कुछ और ही शॉट लेने जा रहा था भाई, वहाँ कुछ और ही कांड हो गए। तो इस बार चलते हैं सीधे शॉर्ट बुक के अंदर और बड़ी होशियारी के साथ इस बार अपन स्वाइप करने वाले हैं, क्योंकि स्वाइप करते करते कौन सा शॉट परचेज हो जाए कुछ कह नहीं सकते। आरसी वालों ने इसको अभी तक ठीक नहीं करा है। तो यहाँ पर 589 आ चुका है, एरिया है गाइस थर्ड मैन की तरफ, 12 PM का ये शॉट है और आइडियल कनेक्शन जोन वेस्ट है। और ये वेस्ट मेरे को कहीं वेस्ट ना करवा दे, क्योंकि वेस्ट कनेक्शन जोन के जो शॉट आते हैं ना गाइस, उसने मेरे को बहुत बार धोखा ही दिया है। और इसका मैक्सिमम 6 डिस्टेंस जो है आप सभी को 120 मीटर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये 12 PM का शॉट है। तो यहाँ तो भाई इतना ही मिलने वाला है, तो ज़्यादा कुछ उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। तो लफ्ट पे चलते हैं और ये शॉट फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि आप चाहो तो इसको 586 के साथ अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, यानी आगे और पीछे हर तरीके की लेंथ के लिए आपके पास शॉट मौजूद हो जाएंगे। लेकिन फिर आपके पास यॉर्कर के लिए 488 नहीं बचेगा। तो चाहो तो आप लोग स्पिन के लिए बैक फुट पे रख सकते हो। तो अगर आपके पास 5 पे सेट है तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं गाइस ई स्पोर्ट्स की तरफ, ई स्पोर्ट में ही करने वाले हैं रिव्यू। और यहाँ लेग स्पिनर है एडम जंपा और जंपा के अगेंस्ट यहाँ पे ट्राई करेंगे। जी हाँ गाइस, जीरो पे अच्छी तरीके से कनेक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ तो लेग स्पिन था भाई, कनेक्शन बना अच्छी तरीके से। अब टॉप स्पिन गेंद है भाई, बढ़िया कनेक्शन है, टाइमिंग थोड़ा चूके है लेकिन मिडल कनेक्शन था, इस वजह से बाउंड्री मिली है। अब यहाँ भी लेग स्पिन और अच्छा कनेक्शन, अच्छी टाइमिंग के साथ खेला है शॉट 6 रन के लिए। अब जरा गुगली पे देखते हैं भाई शॉट को। तो जी हाँ भाई, गुगली पे भी शॉट कनेक्ट कर जाएगा, लेकिन जब मैंने लिया था शॉट तब उस टाइम शायद मेरे से मिस्टेक हुआ था, उस टाइम कनेक्ट नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे फ्लिपर की तरफ अगर हम ट्राई करते हैं तो फुल पेस के साथ फ्लिपर कनेक्ट नहीं करता है। अगर जितना भी हम ट्राई करेंगे फुल पेस के साथ ये शॉट जो है कनेक्ट नहीं करेगा। हाँ, गेंद के ऊपर अगर स्पीड कम हो तो कनेक्ट हो सकता है, जीरो पेस पर अगर गेंद हुई तो परफेक्ट टाइमिंग के साथ कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे गुगली गेंद है गाइस कहीं ना कहीं हसरंगा के, लेकिन ख़राब पोजीशन है, कोई नहीं, हम थोड़ा सा और आगे जाकर ट्राई करने वाले हैं। और ये देखो भाई, गुगली पे भी कनेक्ट हो चुका है। तो ये शॉट टॉप स्पिन ड्रिफ्टर आराम गुगली पे कनेक्ट हो जाता है, दोबारा से लाइन के आगे जा कर के खेलेंगे भाई। और यहाँ देखो मिस टाइम हुआ है और यहाँ पर वैसे कनेक्शन बन चुका है। अब ये देखो गेंद कीपर पेस जो है ना कम करा गया और लो पेस पे ये शॉट परफेक्ट टाइमिंग के साथ स्लीपर वे भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन पेस कम होना चाहिए। अब यहाँ भी देखो फ्लिपर गेंद है, कनेक्शन हुआ है लेकिन अर्ली टाइमिंग हो बैठा है यहाँ पे। वैसे फुल पेस के साथ कैसे कनेक्ट होगा ये भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में कि भाई फुल पेस के साथ आप लोग इस शॉट को किस तरीके से खेल करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ देखो फुल पेस के साथ फ्लिपर है और फ्लिपर को यहाँ पे फुल पेस पे हो तो आपको खेलना पड़ेगा लेट, मिडल हो गया तो भाई चौका मिलेगा, नहीं तो कम से कम 2 रन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो एक और बार लेट खेला है, आराम से 2 रन यहाँ पे आप लोग चुरा ही सकते हो, कोई समस्या होने वाला है नहीं। मिडल हुआ, चौका मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ मिडल तो अभी तक हो नहीं पा रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कब मिडल हो पाएगा, कभी ना कभी तो मिडल हो ही जाएगा। फिलहाल चलो एस्ट्रोनेगर आ चुके हैं ऑफ स्पिनर और यहाँ पे खेल दिया अच्छी टाइमिंग के साथ, चौका मिल जाएगा। अब ये देखो दूसरा गेम था, परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेला है, वैसे 12 PM के काफ़ी पास में फील्डर है। अब टॉप ड्रिफ्टर आरम की बात करूँ ना तो भाई कहीं ना कहीं गुड लेंथ के ऊपर टॉप हो ड्रिफ्टर हो आरम सेम पोजिशन के साथ ये तीनों ही वेरिएशन को कनेक्ट कर देता है, क्योंकि तो ये खेलते खेलते पीछे चला जाता है, तो भाई यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको ये कनेक्ट कर सकता है। अब ये देखो परफेक्ट टाइमिंग था, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन कुछ खास अच्छी तरीके से बना नहीं है, इस वजह से चौका मिला नहीं। इस बार भी देखो परफेक्ट टाइमिंग है, लेकिन इस बार देखो चौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए पोजिशन, देखो यहाँ पर पोजिशन क्या रखना है,
गेंद के टप्पे से आपको डेढ़ स्टेप दो स्टेप आगे जाना पड़ेगा कैरम को खेलने के लिए अच्छी तरीके से, तब कैरम अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। इस शॉट को खेलने के लिए आपको पिचिंग से आगे जा कर के ही खेलना पड़ेगा, डेढ़ स्टेप दो स्टेप। गुड लेंथ कीपर, फुल लेंथ कीपर भी सेम होगा, इस फुल लेंथ कीपर भी कैरम कनेक्ट हो जाएगा। अब फास्ट ब्रेक अगेंस्ट किस तरह से होगा भाई वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये देखो ये थोड़ी सी गुड लेंथ से नीचे है, कैरम गेंद थी लेकिन फिर भी देखो कनेक्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुका है। अब ये देखो कैरम गेंद है और यहाँ पर बढ़िया तरीके से खेला है, वैसे ये दूसरा था, छः मिलेगा यहाँ पर क्योंकि मैं ही सोचा भाई छः कैसा लग गया कैरम पे। अब ये देखो फ्लिप पर गेंद है तबरे शमसी की और फुल पेस के साथ यहाँ पे करा था, लेट खेला था। अब यहाँ देखो जीरो पेस गेंद है तो जीरो पेस गेंद पे भाई मिडल हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो छः मिल जाएंगे नहीं तो चौका यहाँ पे मिल जाएगा। तो चाहे कोई भी लेग स्पिनर हो, जंपा हो, हसरंगा हो, जीरो पेस के साथ गेंद है तो कनेक्ट हो ही जाएगा, कोई समस्या होने वाला है नहीं। अगर हम फास्टर के अगेंस्ट ट्राई करते हैं तो देखो टू शॉट पे गेंद तो कनेक्ट नहीं करेगा, या फिर जिस पे वार्निंग आने वाली गेंद होगी भाई वार्निंग वाली गेंद पे ये शॉट कनेक्ट नहीं करने वाला है। तो यहाँ देखो बाउंसर गेंद का वार्निंग आ चुका है। अब यहाँ पे देखो पोजीशन क्या रखना है भाई, गेंद के टप्पे से दो से ढाई स्टेप आगे जाना पड़ेगा अगर अच्छा कनेक्शन चाहती हो तो, क्योंकि भाई फिर मिस हो सकता है अगर ख़राब पोजीशन करोगे तो। अब ये भी देखो अच्छी तरीके से खेला है, बढ़िया मिडल हुआ है यहाँ पे, टाइमिंग थोड़ा सा चूक गए थे लेकिन कनेक्शन अच्छा हुआ यहाँ पे भी। और यहाँ पे देखो गेंद के टप्पे से अपन डेढ़ स्टेप दो स्टेप आगे जाकर खेल रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से शॉट कनेक्ट हो रहा है भाई। अब दोबारा से आगे जाकर खेलेंगे, देखो ये हल्का थोड़ा ज़्यादा शॉट था लेकिन उसके बावजूद ये शॉट कनेक्ट कर चुका है। अब देखो सामने गेंदबाजी कर रहे शार्दुल ठाकुर और यहाँ भी सेम पोजिशन के साथ खेलेंगे और यहाँ भी काफ़ी अच्छी तरीके से छः मिल जाएंगे। देखो हल्का सा गेंद शॉट है इस वजह से अपन दो स्टेप आगे जाकर खेले, अगर इस तरीके की लेंथ हो तो अपन थोड़ा सा ही आगे जाकर खेलेंगे, एक स्टेप आगे जाकर खेलेंगे तो भी यहाँ पर अपना काम बन जाने वाला है, उसको कोई समस्या होने वाला है नहीं। अभी शॉट का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये है कि भाई ये शॉट ना स्विंग रिवर्स स्विंग दोनों पे सेम पोजीशन के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि और कोई शॉट सेम पोजीशन के साथ कनेक्ट नहीं करता है। 12 PM की ऊपर 490 भी है लेकिन वो सेम पोजीशन के साथ कनेक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे ये सेम पोजीशन के साथ कनेक्ट करता है तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिल सकता है ई स्पोर्ट्स में, क्रूशल मैचेस के अंदर ये शॉट बहुत ही यूजफुल होगा, स्विंग रिवर्स स्विंग की ऊपर भी। हाँ पोजीशन एक दिक्कत हो सकता है, जब आप नए नए शॉट को परचेस करोगे तो आपको पोजीशन लेने में समस्याएं हो सकती है भाई लोगों, ये मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि यहाँ पर गेम के पिचिंग के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन सेट करना है तो ही आपको इस शॉट का बेनिफिट अच्छी तरीके से मिलने वाला है। अगर पोजीशन आप सही तरीके से नहीं करवाओगे तो समस्या आपके लिए बढ़ जाने वाली है। तो यहाँ पर देखो एक स्टेप तो आप पहले आगे ले सकते हो लेकिन बाकी आपको अच्छी तरीके से सोच समझ के आगे स्टेप लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट कीपर भी सेम है भाई, स्विंग रिवर्स स्विंग सेम पोजीशन के साथ कनेक्ट कर जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा आगे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं भाई, पीछे से भी कनेक्ट हो जाएगा। स्लोअर स्ट्रेट के लिए भाई दो स्टेप ढाई स्टेप आगे जाना पड़ता है लेकिन स्विंग रिवर्स स्विंग के लिए भाई बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अपने को भाई दोनों शॉट ही कनेक्ट करने हैं। हाँ अगर कटर हुआ ना तो भाई कटर यहाँ पर वार्निंग दे देगा अंपायर, तो वार्निंग के साथ दोबारा अगर कटर करेगा तो नो बॉल मिल सकता है, तो कटर एक ही बार करेगा तो वो शायद मिस कर जाए आप लोग शॉर्ट पिच की पर। बाकी यहाँ देखो एक और बार स्विंग वाली गेंद थी अच्छी तरीके से कनेक्ट हुआ है, चौका मिल जाएगा। अब इस शॉट को अगर आप लोग लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ पहले ही इस शॉट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखो भाई ये शॉट जो है फ्लिपर पे परफेक्ट टाइमिंग के साथ फुल पेस पे कनेक्ट नहीं करता है, ये शॉट जो है ना हल्की गुड लेंथ तक कनेक्ट कर जाता है, टू शॉर्ट पिच पे कनेक्ट नहीं करता है। इस शॉट की ऊपर एक खास दिक्कत है भाई, अगर आप इस शॉट की ऊपर पोजीशन ख़राब करते हो ना तो एज लग जाते हैं भाई और वो चला जाता है विकेट कीपर के हाथों में। अगर पोजीशन पे आप गड़बड़ी करोगे, स्लो स्ट्रेट पे दो स्टेप ढाई स्टेप अगर आप आगे नहीं जाओगे तो वहाँ पे एज लग सकता है, कभी कभार एज लगेगा, बाकी हर बार नहीं कि भाई हर बार एज लगेगा, कभी कभार एज लगेगा और वो विकेट कीपर के हाथों में जा सकता है। बाकी शॉट 490 भी काफ़ी बढ़िया है, ये भी काफ़ी बढ़िया, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगी वो आप लोग ले सकते हो। तो आप लोग इस शॉट को रेटिंग कितना देना चाहोगे, मैं देना चाहूँगा भाई 7। बाकी यार ये वीडियो आप सभी को बढ़िया लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ यार आप सभी के साथ एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।